टेक्निकल ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो देयर, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज मैं आपको बेस वीओ एलटी 2015 और 16 का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो वो फोन मेरे पास अभी 5 है, तो मेरा जो बजट है 5000 से लेके 17000 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो पूरा देखें और पूरा समझे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं Redmi 2 Prime, जो 2015 की लगभग अगस्त में लॉन्च हुआ था। 2015 के अगस्त में लॉन्च हुआ था ये फ़ोन, जब वो वीओ एलटी नहीं था, पर उसके बाद जब जियो आया उसके बाद इसमें वीओ एलटी आ गया। सो सबसे पहले Redmi 2 Prime को हम देख लेते हैं। ये हमारा Redmi 2 Prime, आप देख सकते हैं पर Redmi 2 Prime, और इसके स्पेक्स में थोड़ा हाईलाइट जो है मैं उसे बता देना चाहूँगा एक बार। इसमें जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा वो है 4.7 HD, और यहाँ पर प्रोसेसर है 400 नहीं 410, और OS आपको मिलता है जब इसे खुलते हैं आप। अगर अभी अगर कहाँ से भी खरीद लेते हैं आप, तो यहाँ पर आपको 5.1 ज़रूर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो अपग्रेड तो ज़रूर मिलेगा, सर वीओ एलटी भी मिल जाएगा। पर जब ये लॉन्च होता था, अब ये किटकैट में लॉन्च हुआ था 4.4.4 में, और जो डिस्प्ले तो मैंने बता दिया, इसका कैमरा 8 और 2 है, और उतना अच्छा तब के लिए था। पर अभी Redmi ने खुद इस प्राइस में बहुत अच्छे फ़ोन लॉन्च कर दिए, तो इस हाईलाइट वैसा कुछ नहीं है। और पर अभी तक ये फ़ोन 2 साल हो चुका है, पर ये फ़ोन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और अब अगर मेरे पहले के वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका कैमरा कैसा है, और कैमरा एकदम बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से तब के लिए, पर अभी बहुत अच्छा आ चुका है। तो ये फ़ोन कुछ ऐसा है, पर इसका फ़ोन का डिस्प्ले आप अगर देखते हो तो बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा है। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाते हो तो अभी जो 5.1 पे जो UI दिया है वो है 8.0। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेकेंड नंबर फ़ोन आता है वो है कुलपैन नोट 3 लाइट मेरे बजट के अंदर, क्योंकि ये 7000 रुपीज़ का उस समय का सबसे बेस्ट फ़ोन था। क्योंकि उस समय में आपको किसी भी फ़ोन में 7000 रुपीज़ के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर और 3GB के रैम और 13MP कैमरा के साथ नहीं मिल रहा था। पर कुलपैन नोट 3 ऐसा पहला फ़ोन है जो उस समय में अच्छा खासा था 7000 रुपीज़ के अंदर, बहुत ही अच्छा था मेरे ख्याल से। पर एक कमी था, क्या इसमें मीडियाटेक आपको मिल रहा था, पर उस प्राइस में और इससे ज़्यादा क्या मिल सकता है इसका। जो मेन हाईलाइट्स तो मैंने बता दिया, रैम है 3GB का और इंटरनल है 16GB का, और प्रोसेसर है मीडियाटेक MT6735 और CPU क्वाड-कोर 1.3GHz पे चलता है। और यहाँ पर प्राइमरी कैमरा 13MP और सेकेंडरी 5MP। आपको बैटरी मिल जाता है 2500 mAh। सो डिस्प्ले आपको 5 इंच 720p मिलता है, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे, पर अभी इससे अच्छा आ चुका है। इस फोन जब लॉन्च हुआ था उसका डेट था लगभग 2016 से पहले। सो फ्रेंड्स, थर्ड नंबर जो हमारे पास फोन आता है वो है सैमसंग J7। एकदम जब पहला एक सैमसंग की तरफ से फ़ोन था, जो सबसे कम दाम पे सैमसंग जैसा ब्रांड से एक फ़ोन था, तो वो फ़ोन जो है 1.5GB रैम, मतलब 1.5GB रैम के साथ आता है और 16GB इंटरनल के साथ आता है। तो 5.5 इंच का डिस्प्ले, 720p डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो फ़ोन आपको मिलता है मेरे पास जो है ये गोल्ड कलर का है। तो मेरे ख्याल से इसका थोड़ा हाईलाइट मैं बता देना चाहूँगा। यहाँ पर प्रोसेसर आपको मिल जाता है Exynos 615 ऑक्टा कोर, और रैम 1.5GB और इंटरनल 16GB, कैमरा 13 जो फुल HD में रिकॉर्डिंग करता है, और यहाँ पर प्राइमरी कैमरा 13MP और सेकेंडरी 5MP। डिस्प्ले 5.5 इंच 720p आपको मिलता है। OS लॉलीपॉप, और अभी जो है फिलहाल ये मार्शमेलो में अपग्रेड हो चुका है, और बैटरी 3000 mAh पहले पर मिलता है। सो ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये फोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप शायद यूज़ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे बेस्ट वीओ एलटी फ़ोन तब भी जब जियो नहीं था, उसके बाद जब जियो आया फिर इसी फ़ोन में भी अपडेट देके वॉइस एलटी करवा दिया गया है। सो ठीक है, तो नेक्स्ट फ़ोन की तरफ बढ़ते। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फोर्थ नंबर का फ़ोन है वो है नूबिया की तरफ से। तो नूबिया के ये फ़ोन 13000 रुपीज़ के अंदर आता है, और ये जो फ़ोन है ना एकदम झक्का से देखने में और कैमरा भी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी Z9 मिनी खरीदा था इसका, उसका भी कैमरा बहुत ही अच्छा था, पर तभी इंडिया में ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। पर Z11 मिनी ऑफिशियली एकदम इंडिया में लॉन्च हुआ है, और Z सीरीज जैसे Z11, Z11 मिनी S वगैरह ये लॉन्च हुआ है। तो मैंने यहाँ पर रखा है वीओ एलटी के फ़ोन के अंदर, ये 13000 रुपीज़ के अंदर J7 के बाद Z11 मिनी। देख सकते मेरे पास व्हाइट कलर का है। ये एक सबसे बुरा बात मुझे क्यों लगी, क्योंकि इस फ़ोन में एकदम मार्शमेलो अपडेट आएगा भी नहीं, पता भी तो नहीं है, और मार्शमेलो तो दिया ही नहीं है। और यहाँ पर 5.1 आपको मिलता है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा नहीं है। पर यहाँ पर आपको रैम बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे कि 3GB रैम आता है, इंटरनल 32GB के साथ आता है, OS लॉलीपॉप भी है, और लॉन्च हुआ था 2016 के अगस्त के वहाँ पर। और
कैमरा Z9 की तरह ही रखा है 16:8 और दोनों ही कैमरा 1080 रिकॉर्डिंग करता है और डिस्प्ले एकदम फुल HD है और एकदम झक्का से देख सकते हैं यहाँ पर। और कैमरा का रिव्यू आप मेरे चैनल पे मैं दिखाऊंगा। सो के बाद जो नेक्स्ट फोन आ रहा है वो हम थोड़ा पर देख सकते हैं, हमारा J7 Prime जो कि है 5.5 इंच का डिस्प्ले एंड फुल HD डिस्प्ले है ये। 1080 पर रिकॉर्डिंग भी करता है और यहाँ पर आपको बैक फीडबैक भी देता है 1080 पे। और Exynos का 7870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर यहाँ पर लगा हुआ है और इसके साथ 3300mAh लिथियम आयरन का बैटरी यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये फ़ोन ऊपर से तो एकदम से ठीक है, सैमसंग ब्रांड से ठीक है, पर आप अगर थोड़ा सोच के देखें 17,000 रुपीज़ के अंदर 4G तो मिलता है वो भी सही बात है, वोल्ट भी मिलता है वो भी सही बात है, पर 17,000 रुपीज़ के अंदर ये कौन सा फ़ोन दे रहे हैं आपको सैमसंग। ब्रांड देख के फ़ोन मत खरीदिए, कुछ सोच समझ के फ़ोन को खरीदिए। हो सकता है आपके फ़ोन में 13 MP कैमरा हो सकता है आपके फ़ोन में बहुत कुछ हो, पर यहाँ पर क्वालिटी क्वान्टिटी क्या है ये देखिए, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सैमसंग का ब्रांड का भाव मिलता है जो सब लोग चाहते हैं, जैसे कि एप्पल के फ़ोन जैसे बिकते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन आप खरीदे, पर आपके अगर बजट सेगमेंट का खरीदना है तो ऑन नेक्स्ट या ऑन सीरीज या जे सीरीज ये सब आपके लिए नहीं है। सैमसंग लो बजट में तो फ़ोन निकाला है, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से ये फ़ोन में कुछ नहीं है। एंड्रॉयड 6.01 मार्शमेलो अपडेट अभी आया है और लॉलीपॉप पहले था। सो मार्शमेलो बॉक्स ओपन द बॉक्स, आपको जब भी आप फ़ोन को खोलते हैं उसके बाद ही आपको मार्शमेलो तो मिलेगा, अभी पहले लॉलीपॉप मिलता था, पर मेरे ख्याल से ये फ़ोन उतना अच्छा नहीं है इस प्राइस के अंदर। अगर प्राइस थोड़ा कम होता तो मानता, ऐसे कि पहले का J7 या J सीरीज का जो फ़ोन है वो थोड़ा बहुत ठीक है, पर ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा ही कीमत है। इसको इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, पर मेरे ख्याल से फिंगरप्रिंट सेंसर आपको 7,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ के अंदर भी मिलेगा, उसके साथ अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा। यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस का बात करें तो उतना अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इसका GPU आपको मिलेगा मालिका T830MP2। मेरे ख्याल से नाम पे ये है पर काम पे कुछ नहीं है। 256 GB तक आप इसको एक्सपेंड तो कर सकते हैं, 3 GB की रैम के साथ इसे आता है और 16 GB या 32 GB फर्शन यहाँ पर है। 16 GB इंडिया पे लॉन्च है पर 32 GB इंडिया पे लॉन्च नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, जैसे जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, पैनारोमा वगैरह कैमरा के अंदर आपको मिलता है। 8 MP सेकेंडरी तो दिया है, पर सेकेंडरी थोड़ा बहुत अच्छा है, पर पीछे का कैमरा उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं है, ये था सबसे बड़ी बात। यहाँ पे बहुत सारे बात है जैसे ऐसे है, मेरे ख्याल से ये फ़ोन 12,000-13,000 के रुपीज़ के अंदर आता तो कुछ होता। ऑक्टाकोर CPU होने के नाते भी इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं देता है, मैंने खुद इसे यूज़ करा है, पर इसका बिल्ड क्वालिटी कमाल का है, ये एक सच बात है। ऐसा नहीं फ़ोन अच्छा नहीं है, फ़ोन अच्छा है, पर प्राइस सेगमेंट में ये उतना अच्छा फ़ोन नहीं है। तो आप लोग का ऊपर है, ये फ़ोन आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे।